सेक्स चेंज। जी हाँ, ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में आज खुलकर बात हो रही है। खैर, ये तो रही आज की बात, लेकिन एक समय ऐसा था जब इस बारे में ना तो खुलकर बात होती थी और ना ही ऐसा करना समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। ऐसे लोगों को अपने ही लोगों द्वारा मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ना झेलनी पड़ती थी। वक्त बदलने के साथ अब इस बारे में समाज की सोच बदल रही है। जागरूकता के बाद समाज ने ये स्वीकार कर लिया है कि यह किसी प्रकार का कोई विकार नहीं है। विज्ञान की भाषा में इसे जेंडर डिस्फोरिया कहा जाता है। ऐसा ही एक मामला इन दिनों जोधपुर में चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ दीपक मारवाड़ी नाम के एक डांसर ने अपना सेक्स चेंज यानी रीअसाइनमेंट सर्जरी कराकर दीपिका के रूप में नई पहचान पा ली है। दीपिका ने 3 महीने पहले दिल्ली के एक निजी अस्पताल से सर्जरी कराकर अपना लिंग परिवर्तन कराया। नया शरीर पाने के बाद वह काफी खुश हैं। दीपक ने बताया कि वह बचपन से ही लड़कियों की ड्रेस पहनकर डांस किया करता था, साथ ही उसे लड़कियों के साथ वक्त बिताना पसंद था। लड़कों के बीच वह खुद को असहज महसूस करता था। बचपन में तो मैं लड़कियों के कपड़े पहन के डांस वांस करती थी और जो फीलिंग थी वो मेरी लड़कियों की थी अंदर से। सो मुझे डांसर बनना था और मैं भी डांसर हूँ। दीपक पिछले 10 सालों से जोधपुर सहित आसपास के क्षेत्रों में मारवाड़ी गानों पर परफॉर्मेंस के साथ लोगों का मनोरंजन कर रहा है, लेकिन अब वह दीपिका मारवाड़ी बनकर डांस के क्षेत्र में बॉलीवुड तक जाना चाहती है। दीपक पहले मेरा नाम था, दीपक डांसर से मैं फेमस थी जोधपुर में और अब मैं दीपिका डांसर से फेमस होना चाहती हूँ। मुझे आगे जाके बॉलीवुड में जाना है, सो भगवान चाहेगा तो मुझे बॉलीवुड में भी भेज करेगा, सो मेहनत करती रहूंगी। दीपिका ने बताया कि पिता के देहांत के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। घर चलाने के लिए उसने छोटे मोटे कार्यक्रमों में डांस कर पैसे कमाए और अपना घर चलाया। इसके बाद उसे इसी काम में मजा आने लगा और ये उसका पैशन बन गया। मेरी मर्जी है, मेरी लाइफ है, मैं कुछ भी करूं, उसे मुझे लोगों से कोई लेना देना नहीं है। लोग तो कमेंट करते रहेंगे, मुझे मेरे बारे में अच्छा सोचना है, मेरे परिवार का सोचना है। दीपिका खुद भी इस बात को स्वीकार करती हैं कि जो निर्णय उन्होंने लिया उसमें उनके परिवार ने उनका पूरा सहयोग किया है। परिवार ने हमेशा उन्हें अपने मन मुताबिक निर्णय लेने की छूट दी। बात जब सेक्स चेंज कराने की आई तब भी परिवार ने उनका पूरा साथ निभाया। करीबन मम्मी और मेरी फैमिली की, वो मुझे सपोर्ट करती है। थैंक यू गॉड कि मेरी मम्मी, मेरे को मेरी ऐसी फैमिली थी जो मुझे इस लुक में भी अपना रहे। ये तो रही एक दीपिका की बात जिसने ये महसूस किया कि उनका जन्म गलत शरीर में हुआ था। उन्होंने हिम्मत की और अपने शरीर को मन मुताबिक पा लिया, लेकिन समाज में कई दीपक और दीपिका हैं जो इस कश्मकश के साथ अवास्तविकता की जिंदगी जी रहे हैं। अगर सेक्स चेंज के बारे में लोगों में सही जागरूकता हो तो न जाने कितने लोग ऑपरेशन के बाद अपनी जिंदगी खुशी से बिता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत। 2400 घंटे लगातार खबरें देखने के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप।